हेलो दोस्तों, हमारी चैनल कुक कला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले का अचार। एक किलो करेला मैंने ले लिया है, इसे धोकर साफ़ कर लिया है। इसे काट लेते हैं। ये बड़ा करेला है, ये आपके पास छोटा वाला है तो उसका भी बन सकता है। अधिक बड़ा है इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा टुकड़ा करूँगी। बीज है, इस बीज को निकाल दें। इसी तरह हम सारे करेले काट लेंगे, जिसमें बीज होगा इसे उसका बीज हम निकाल देंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा चाहें बना सकती हैं। देखिए, मैंने सारे करेले काट लिया है। इस तरह से जो कड़ा कड़ा बीज था उसे निकाल दिया है, नहीं है बीज। इसे उबाल लेते हैं, पानी उबलने लगेगा तब इसको डालेंगे। देखिए, पानी में उबाल आ गया है, करेले को डाल देंगे इसी में। आप चाहे तो भाप से भी पका के बना सकती हैं। पानी में उबालने से थोड़ा इसका कड़वापन दूर हो जाता है, इसीलिए मैं पानी में उबालती हूँ। अगर आप उबालना नहीं चाहती हैं तो नमक मिलाकर इसे थोड़ा देर रख दें, आधा घंटा, फिर इसका पानी निकाल कर धूप दिखाकर बनाएं। पानी कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, बस डूबने भर पानी हो, अधिक नहीं। एक उबाल आने तक इसे पका लेंगे। देखिए, करेले में उबाल आ गया है, गैस बंद कर देंगे। इसे एक मिनट इसी में रहने देंगे। देखिए, एक मिनट हो गया है, इसका कलर बदल गया है। पानी में मैंने इसलिए छोड़ा है कि इसका जो कड़वापन होता है थोड़ा सा और कम हो जाएगा, इसलिए मैंने पानी में छोड़ा हुआ है। अधिक गलाना नहीं है इसको, इसका पानी अलग कर लेंगे। करेले को हम धूप में अच्छी तरह सुखा लेंगे इसका पानी। अगर आपके घर धूप नहीं है तो आप पंखे की हवा में इसे थोड़ा इसका पानी सुखा लें। एक एक करके इसको फैला देंगे। देखिए, मैंने करेले को धूप दिखा दिया है, पानी नहीं है इसमें, पानी नहीं लग रहा है हाथ में। चलिए, मसाले मिलाते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर। अगर आप आम डाल रही हैं तो आमचूर पाउडर ना डालें। अचार मसाला, स्वाद अनुसार नमक। इसी चम्मच से 2 चम्मच तेल डालेंगे, ये 50 ग्राम का चम्मच है। सारे मसाले और तेल एक साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। आप अपने हिसाब से तेल कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। वैसे करेले के अचार में तेल मिलाने तक ही अच्छा ठीक है। आप अगर तेल में डुबा कर रखना चाहती हैं, तेल अधिक कर दें, 200 ग्राम तेल डाल दें। करेले का अचार बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आप अधिक दिनों तक स्टोर करके रख रही हैं तो तेल उसमें अधिक कर दें। ये सीजनल अचार है, गर्मी में ही करेला मिलता है इसलिए मैं बनाती हूँ। 3 से 4 महीने तक आराम से आप खाइए, ख़राब नहीं होगा। अगर आप करेले की सब्ज़ी नहीं खाना चाहती हैं तो इस तरह अचार बना के खाइए। करेले का अपना एक टेस्ट होता है। अगर आप आम के साथ बना रही हैं तो आम कद्दूकस करके इसी में डाल दीजिए, तो आमचूर न डालें। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये करेले का अचार कैसा लगा। थैंक यू।